या एसटीएफ क्या कर रहा था? एसटीएफ क्या कर रहा था भैया? नोबडी इज सेफ हियर, व्हाट्स हैपन हियर? जो हुआ है पुलिस की निगरानी में ये गलत हुआ है। अमित शाह से बदतमीज आदमी नहीं हो कोई। क्या नाम हो गया? सैयद मोहम्मद अहमद। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम गोरखपुर के बेटा। गोरखपुर योगी बाबा के गढ़ के हैं जी। अब बताइए यूपी में क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो सुना चली है कोई मारा अतीक अहमद पर चली है। अब बाबा का राज है भैया, हम कुछ नहीं बोल सकते। लंगड़े आदमी कहीं हम ही को ढकेल ना दे। अरे ऐसे कैसे ढकेल रहे हैं जब कुछ करेंगे नहीं? हाँ भैया, तो आप किस चैनल से हो बेटा? जी हम हैं हिंदुस्तान 9 से और हम बातचीत आपसे ये करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि पहले देश है फिर कौम है। और अतीक बाबा क्रिमिनल है ठीक है, मुख्तार अंसारी क्रिमिनल है, भैया राजा को काहे छोड़े हो? ये है मुद्दे की बात। अभय सिंह को काहे छोड़े हुए हैं? इसलिए कि उनके पास विधायक है। ये हिटलर से बड़े हैं। ये चाह रहे हो यूपी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का ख्वाब जो देख रहे हो बेकार है। हम लोग के बच्चे अब पढ़ना शुरू किए। ये ठेले वाला देखिए हिंदू भाई है, अब बोले लगाओ। कहीं हिंदू मुस्लिम का बात नहीं बेटा। दे वांट बम्बूज ऑन बाय पोजिशन, वी आर नॉट इन मेजोरिटी, वी आर जस्ट इन मेजोरिटी बेटा। मीडिया नहीं सेफ है। एसटीएफ क्या कर रहा था? एसटीएफ क्या कर रहा था भैया? एसटीएफ क्या कर रहा था? मुख्यमंत्री बोले करवा दो। और पुलिस वाले परेशान है, मीडिया वाले परेशान है। ज्यादा छापोगे तुम्हारी जान का भी खतरा। नोबडी सेफ हियर, व्हाट्स हैपन हियर? अरे बेटा, लेकिन हम और आप अगर कुछ गलत नहीं करेंगे तो क्या खतरा क्या नहीं है? वो तो गलत था। जो किसी के जान लेगा उसका हशर यही होने वाला है, चाहे अतीक हो, मुख्तार अंसारी हो, कोई हो। अब देखिएगा दो दिन में पूरा कुनबा खत्म कर देंगे महुआ लेकर। पहले कहाँ थे अखिलेश बाबा? इतने बड़े थे तब से जानते हैं। अखिलेश बाबा से सेल्फिश आदमी नहीं है कोई। सेल्फिश नहीं है, है? क्या है सब किया देखिए। नाम किसका हो रहा है? योगी बाबा का। क्या मौलाना का? देखिए इसी से रोजी रोटी चला रहे हैं ना। क्या करोगे बेटा, परेशान हो गए। हमको तो डर लगता है चलने में। नहीं, आपने कहा कि ये प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, लगेगा यहाँ जानते हैं डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटर है कौन? मोदी जी। वो लगाएगा 4 साल का, आप पैदा नहीं हो गए, हमने 70s से देखा है। 4 साल का लगाएगा इमरजेंसी 5 साल का, और सबको कर देगा अंदर। योगी हो, राजनाथ सिंह का देखिए। राजनाथ सिंह में क्या खराबी था? जितने हैं शाह, अमित शाह से बदतमीज आदमी नहीं हो कोई। अच्छा, और क्या? कैसे बदतमीज है थोड़ा बताइए। क्यों बदतमीजी नहीं है थोड़ा बताइए, जानना चाहता हूँ क्यों लगता है? मैं सबसे ज्यादा आप जानते हो हमको काहे पिटवाने के चक्कर। आप तो कितनी उम्र है आपकी? 73 साल है। मुझसे तो आप इतने बड़े हैं, आप मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हैं, तो बताइए ना कैसे है, कहाँ लगे हैं आपको बदतमीज? ये है कि क्या ये होम मिनिस्टर गलत थे? राजनाथ सिंह एकदम सही थे। और जब भी कोई प्रधानमंत्री बना है तो वाया यूपी ही गया है। लाएं और काहे नहीं, अखिलेश बन सकते हैं। अखिलेश बन सकते हैं क्योंकि नेताजी के लड़के थे। और राजनाथ सिंह का लड़का काहे नहीं मुख्यमंत्री बना? राहुल गांधी तो पूछिए मत ना। जो आपने बदतमीज कहा वो थोड़ा जानना चाहता हूँ। अमित शाह को जैसे आप कह रहे बदतमीज, कैसे बदतमीज है? अब उसको बात करने के ढंग नहीं है। एक आप बात करिएगा शराफत से करेगा, एक टप्पू वाला कैसे बात करेगा? मैन शुड बी नोथ हाउ टू टॉक। सभ्यता भी तो कोई चाहिए, हिंदुस्तान से अच्छी जगह दुनिया नहीं में नहीं है, लेकिन माहौल देख लीजिए बेटा। लेकिन अमित शाह तो क्या लोगों का इतना कहते हैं कि अमित शाह वर्सी पर तुम बैठ जाओगे वही काम करोगे। अगर आप शरीफ है तो शराफत वाला का भाई, इस हमाम में सभी नंगे हैं। क्या देखते हो यार, चलो इधर। इस हमाम में सभी नंगे हैं बेटा। आप पढ़े लिखे हो, आप हमको कहोगे बाबा ये बात गलत हो, वहाँ डांटिएगा। और एक गुंडा है बदतमीज है वो यहाँ डांटेगा। लेकिन देखिए गृह मंत्री पहले भी हुए हैं और अब भी गृह मंत्री, वो कौन? देखिए बहुत सारे गृह मंत्री रहे हैं, है ना। अमित शाह आए, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जैसे कश्मीर से 370 हटाना, वो उन्होंने हटाई। हाँ, उसके बाद अगर बातचीत करें तो वो CANRC पर काम करना। एक बात बताए बेटा, जब घर टूटता है ना तो फिर जुड़ता नहीं।
घर जब टूटता है, पाकिस्तान हम लोगों को खाना नहीं देता है, जब घर टूटता है तो जुड़ता नहीं है बेटा। आप बांग्लादेश को आज़ाद करा दिए, आज बांग्लादेश भी तुम्हारा दुश्मन है, नेपाल इनफैक्ट दुश्मन है, आप दोस्त बनाओ, दुश्मन बना के आप नहीं रह सकते। चलिए ये तो मुद्दा ज़्यादा बड़ा है, इस पर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन जो आज का मुद्दा है, जो बातचीत का मुद्दा है, वो है अतीक अहमद, अतीक का भाई अशरफ और उसका बेटा असद, जो इनके साथ हुआ है। बाबा क्या समझते हैं उस बारे में, कैसे हुआ, क्या हुआ, कितना सही देखिए। इसको तो मुख्यमंत्री जी जानेंगे, एसटीएफ जानेगा, सीबीआई वाले जानेंगे, हम आप क्या जानेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता क्या समझती है, आपसे तो कुछ ही दूरी पर यहाँ से प्रयागराज है। आज न्यूज सुन रहे थे, सुना है कि आज इलाहाबाद बंद है, क्यों बंद है भैया, क्यों बंद है? एक दिन कहीं बेटा, हम तो लॉकडाउन में यही थे, ये भाई साहब की दुकान है यहाँ देखिए। चला क्या नाम हो गया, क्या नाम हो गया? मोहम्मद शरीफ। कैसे हैं? बढ़िया। रोजे से हैं? हाँ जी। सही चल रहा है? हाँ बढ़िया, अल्लाह। अच्छा, हम जो बातचीत करना चाहते हैं, हम यूपी के जो लोग हैं उनसे बातचीत करना चाहते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उसके जो बेटा असद, उसका पहले एनकाउंटर हुआ और उसके बाद अतीक को कुछ लोग मार देते हैं। अच्छा। तो यूपी की जनता इस बारे में क्या समझती है, क्या ये हो रहा है, कितना सही है, कितना गलत है? ये तो आप लोग जान सकते हैं, लेकिन आप भी तो कुछ इस बारे में समझते होंगे। ये तो बारे में हमें मालूम नहीं है, अब जो जानते हैं, हम तो सीधे साधे आदमी हैं। चला क्या नाम हो गया, नाम क्या हो गया? नाम? हाँ। इमरान अहमद। इमरान जी कैसे हैं? ठीक है। बढ़िया। हाँ। सब बढ़िया चल रहा है? काम धाम? काम धाम कहाँ चल रहा है, काम नहीं चल रहा है। हाँ, मंदा है, मंदा। अरे हम बातचीत करने आए हैं आज, यूपी के लोगों से जानना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, अरे अब सब उससे पूछो जाके यहाँ से, आप भी बता दीजिए। ये सब हमने में मालूम है, कुछ हम मालूम नहीं है, इस सब चक्कर में नहीं पड़ते हैं। चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, क्या जानते नहीं अतीक? हमें अतीक को हम क्या जाने, क्या हम किसको जाने, हम यहाँ रहते हैं, अतीक कहाँ रहते हैं? वैसे जानते ही नहीं या क्या? बात नहीं करना चाहते, बात ही नहीं करना चाहते। चाहे क्या नाम हो गया? इदरीस अहमद। कैसे चल रहा काम धाम? काम ठीक नहीं चल रहा, सही नहीं चल रहा। अरे हम बातचीत जो करने आए हैं वो यूपी के लोगों से माहौल जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, जो सरकार अभी चल रही योगी जी की, और अभी दो दिन पहले अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ असद का, और उसके बाद अतीक को कुछ लोग मार देते हैं, तो क्या असर है इस चीज़? मार्केट पे तो आज सन्नाटा है, बाकी हम बता नहीं सकते ज़्यादा। सन्नाटा है? बहुत सन्नाटा है। लेकिन जो ये हो रहा है यूपी में, क्या ये सही हो रहा है? सही तो नहीं है। सही नहीं? सही नहीं है। क्या लगता है आपको कि कैसे, क्या चीज़ें होनी चाहिए? पहले अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो गया, कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, एनकाउंटर ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जो हुआ है उसके बारे में हम ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। हाँ। अतीक को जानते हैं? बस ऐसे ही सुनते रहते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते। जानते नहीं? जानते तो नहीं है। कहाँ के रहने वाले? हम काकोरी के रहने वाले। अरे जो योगी जी कर रहे हैं, ये जो बुलडोजर वाली नीति है, मिट्टी में मिलाने वाली नीति, क्या सही लगती है? आपको क्या लगता है? देखिए हमारी राय और आपकी राय में फर्क है, हम कुछ कहते हैं तो उसका कुछ और असर होता है, आप कुछ कहेंगे उसका कुछ और असर होगा। भाई हमें तो नहीं सही लगता है। क्या क्या कह रहे हैं? योगी जी जो है अपनी सिर्फ जान पहचान वालों की सेवा करते हैं, हम लोग कहाँ सुनते हैं? अच्छा, आपकी नहीं सुनते? अभी कहते कहाँ सुने? क्या नाम है आपका? आरती। आरती यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहाँ पे शॉप में काम करते हैं। क्या क्या लगता है आपको, क्या नहीं सुनते, ऐसा क्या हुआ, थोड़ा बताइए। ये तो आते नहीं आप पूछने की, यहाँ पे ऐसे राउंड लगाना चाहिए कि पूछना चाहिए सबसे कि क्या क्या है, या पंडाल अपना एक लगाना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या किस, मतलब आप चाहते हैं कि योगी जी आए यहाँ पर आपसे बातचीत करें और जाने क्या है? हाँ। समस्या है जाने आप? और क्या समस्या? अभी नहीं, मतलब योगी जी आप पूछेंगे तो हम लोग बताएंगे, ऐसे कैसे बता देंगे? बताइए क्या समस्या है, हो सकता है वीडियो देख लें आपकी योगी जी? अब एकदम से नहीं ना बता सकते हैं, लेकिन कोई समस्या होती नहीं, सब लोग ही होती है, वैसे होती है समस्या। फिर भी कोई एकाद है तो बताइए ना। एकाद अभी हम नहीं बता पाएंगे, अभी नहीं बता पाएंगे। हाँ अभी नहीं बता पाएंगे। कोई हो तो बताए थोड़ी बहुत, एकाद समस्या। नहीं नहीं बोल पाएंगे, अभी नहीं बोल पाएंगे, अभी नहीं बता पाएंगे। अरे चाचा क्या नाम है? नाम मेरा जमील अहमद है। जमील जी, अभी हम आपसे दुकानदारी के बारे में बातचीत कर रहे थे, अब मैं आपसे कुछ दो मिनट बातचीत करना चाहता हूँ प्रदेश के माहौल के बारे में। प्रदेश में जो एक अतीक अहमद और उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ असद का, उसके बाद अतीक का हुआ,
तो क्या है ये सब, किस तरह किसे सोचते हैं ये सब जो है मतलब पुलिस प्रशासन की लापरवाही है भैया। ये सब जो है ठीक है, वो माफिया थे अपनी जगह पे, भाई कानून अपना काम करता भाई। वो जो है उनको कोर्ट में सजा हुई थी तो जो है वो तो उनका मसले मामला आते हैं। अब ये जो हुआ है पुलिस की निगरानी में ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। गलत हुआ, हाँ गलत हुआ है। लेकिन इसमें दो तरह की राय बन गई है। कुछ लोगों का कहना है कि जो असद ने और गुलाम ने मिलकर किया उमेश पाल के साथ, वो क्या था ये क्या सच्चाई है ये तो हम भी नहीं बता सकते भैया। जो है कुछ जो है ये मिली भगत है, ये तो मिली भगत है, ये तो हम भी नहीं बता सकते पूरी सच्चाई। ये तो जो मरने वाले ही बता सकते थे क्या सच्चाई है क्या झूठ है बस। अच्छा चलो, आपको भी लगता है क्या ये जो सरकार है लगातार अत्याचार कर रही है, खासकर अगर देखे बुलडोजर की नीति हो, मिट्टी में मिलाने वाला एक नया मामला आया, क्या लगता है मुसलमानों को टारगेट हो? ये सब भाई जाहिर सी बात है, ये जो एक पक्ष को जो है टारगेट किया जा रहा गलत है भाई। ये सब चीजें ठीक है भाई, जो है मतलब जो जैसा है उसके साथ वैसा करो ठीक है। मेरा कहने का मतलब जो हक वाली बात है वो करो, सच्चाई वाली बात बस। तो ऐसे ये बुलडोजर चलाना, मिट्टी में मिला देना, ये सही नहीं। अब बाबा जी का आगे जो है भाई जो फैसले होंगे देखा जाएगा भाई, रहेंगे नहीं रहेंगे, अब बहुत जल्दी इनकी सरकार जा भी सकती है बस। अखिलेश ने बयान दिया कि ये जो सरकार है इस सरकार में भाईचारा खत्म हो रहा है, एक खाई बन रही है। हाँ भाई जाहिर सी बात है भाई, जो है ये सब इतनी नफसा नफसी का आलम है, नहीं होना चाहिए प्रदेश में रह के भाई। हम भी आप ही हैं, आप लोग भी आप ही हैं, गलत है ये सब चीजें, नहीं होना चाहिए। ये सब नहीं 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 होना चाहिए। अभी अगर कुछ बात करें तो इसमें दो राय और बन रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चलिए अतीक ठीक है, 5 बार का विधायक। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन, तो हुआ ना यही सही लोन। स्टडी बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम एट सेंट मार्था इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी।